जय जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी 1 घंटे बाद मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। हमारे सेना के अंदर एक रूल चलता है, फॉर्म नंबर 10, 10 नंबर फॉर्म भरा जाता है। आर्मी पर्सन को तो पता है, लेकिन सिविल पर्सन के लिए बता दूं कि ये हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, सीओ साहब, उनको आर्मी रूल के मुताबिक अधिकार दिया हुआ है कि आप किसी जवान का 10 नंबर फॉर्म भर के उसको MS भेज दो, मिलिट्री हॉस्पिटल, और फिर वहाँ के डॉक्टर कुछ एक जांच पड़ताल करते हैं और वो देखते हैं सही है या गलत। लेकिन उसके बाद सीओ प्रेशर डालता है कि इसका फॉर्म भरना है और उसका 10 नंबर फॉर्म भर दिया जाता है। और सिविल के लिए मैं समझा दूँ, 10 नंबर फॉर्म का मतलब होता है किसी को पागल घोषित कर देना कि ये आदमी पागल है। इसी विषय में मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि 1 घंटे के बाद मैं वीडियो बनाना शुरू करूँगा, लगभग 1:30 बजे के लगभग आपके पास वीडियो पहुँच जाएगा। तब तक आप कमेंट्स करके बताइए, आपके भी कुछ पॉइंट हों फॉर्म नंबर 10 पर तो वो आप कमेंट्स करें, ताकि मैं आपके कमेंट्स पढ़कर वो सारी चीज़ें उसमें अपडेट दे सकूँ। ये बिल्कुल सरासर गलत है, किसी एक पर्सन के दबाव पर किसी एक व्यक्ति को पागल कर देना। और वो डॉक्टर जो कि अपनी पढ़ाई के अनुसार और अपनी कैपेसिटी के अनुसार या अपनी जांच के अनुसार उसको पता है कि ये बंदा पागल नहीं है, फिर भी उसको पागल घोषित किया जाता है। इस विषय पर मैं बता दिया आपको, 1 घंटे बाद वीडियो डालूंगा। आप अपने कमेंट्स दें ताकि मैं उन सबको मेंशन कर सकूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।